नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार सरकार 2261 नए पदों पर ग्रामीण कार्य विभाग में बहाली करेगी। यह बहाली ग्रामीण कार्य विभाग का बेहतर तरीके से पुनर्गठन और ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए की जाएंगी। बता दें कि अब तक 6244 पद ही इस विभाग में थे, लेकिन कुल 2261 नए पदों का सृजन हुआ और इन्हें मिलाकर अब विभाग में कुल पदों की संख्या 8683 हो गई है। हालांकि बहाली की प्रक्रिया कब शुरू होगी इसे लेकर अभी किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसके बहाली की प्रक्रिया शुरू हो। हिंदुस्तान की एक खबर के मुताबिक विभागीय अधिकारियों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सरकार ने तय किया है कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण और मरम्मत विभागीय स्तर पर होगा। इसके लिए सरकार के शीर्ष स्तर पर कई बार बैठकें भी की जा चुकी हैं। इसी के आलोक में विभाग ने सभी पदों पर नए सिरे से गठन किया है। विभाग में अभी अभियंता प्रमुख के एक पद है, पुनर्गठन के बाद ये दो पद हो गए हैं। विभाग के अधीन 4 जोन हैं, जिसके मुखिया मुख्य अभियंता होते हैं। जोन की संख्या में भी वृद्धि करते हुए विभाग ने 8 करने का फैसला किया है। 20 सर्किल ही अभी तक विभाग के अधीन कार्य कर रहे थे, इसकी संख्या में 2 की वृद्धि हुई है। अधीक्षण अभियंता इसके प्रमुख होते हैं। वहीं सामान्य कार्य प्रमंडल की तर्ज पर 108 गुण नियंत्रण प्रयोगशाला प्रमंडल होगा, जिसकी जिम्मेदारी सहायक अभियंता को दी गई है। आगे हिंदुस्तान से मिली जानकारी के अनुसार विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक की संख्या अभी 494 है, इसमें 425 की वृद्धि करते हुए 919 कर दी गई है। शोध सहायक 26 के बदले 128 होंगे। प्रयोगशाला सहायक के 42, अमीन की संख्या में 99 की वृद्धि की गई है। यानी अब अभियंता प्रमुख के एक के बदले दो पद पुनर्गठन के बाद विभाग में किए जा चुके हैं। वहीं जहाँ मुख्य अभियंता के 4 पद हुआ करते थे वे अब 8 हो चुके हैं। वहीं 30 से 40 की संख्या में अधीक्षण अभियंताओं की संख्या रहेगी। इसके अलावा जहां कार्यपालक अभियंताओं की संख्या 177 थी वे अब 196 हो चुकी हैं। अब बात करते हैं सहायक अभियंताओं की संख्या की, तो इनकी संख्या 775 थी जिसे बढ़ाकर 883 कर दिया गया है। बता दें कि गुणवत्ता की विशेष जिम्मेवारी बढ़े हुए पद वाले सहायक अभियंताओं को ही मिलेंगे। हालांकि कनीय अभियंता में किसी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिला है, उनकी संख्या 1396 ही रहेंगी। नए पद में पद कार्य प्रभारी के पद का सृजन हुआ है। नए सृजित पद के तहत कुल बहाली 1069 पदों पर की जाएंगी। जो लोग निम्न वर्ग से होंगे उनकी भर्ती सृजित पदों में सीधे तौर पर की जाएंगी। हालांकि उन लोगों को प्रमोशन मिलेगा जो सहायक अभियंता से ऊपर वाले पदों पर होंगे। इसके अलावा कुछ पदों को संविदा के जरिए भी भरने की योजना तैयार की जा रही है। बता दें कि अक्सर ग्रामीण सड़कों के मरम्मत और उनके गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हैं। सभी कार्य विभाग की निगरानी में होने के बावजूद भी चूक हो ही जाती है, इसलिए सभी प्रमंडलों में इंजीनियरों की तैनाती होगी जो ध्यानपूर्वक सड़क निर्माण और उसके मरम्मत की निगरानी करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।